एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर लगी मुहर। सरकार ने कहा दो चरणों में लागू होगी व्यवस्था। पहले एक साथ होंगे लोकसभा विधानसभा चुनाव, दूसरे चरण में निकाय और पंचायत इलेक्शन। एक देश एक चुनाव पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, ये चलने वाला नहीं है, चुनाव के लिए मुद्दा बनाते हैं, देश के लोग इसे मानने वाले नहीं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी, दोपहर 3 बजे तक रिकॉर्ड 50% से ज्यादा मतदान। TV9 से बोले इंजीनियर रशीद, इस बार चौंकाने वाले होंगे नतीजे, बीजेपी की बी टीम के आरोप गलत बताया। हरियाणा में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, जाति जनगणना और एमएसपी की गारंटी का वादा, सस्ते सिलेंडर और महिलाओं को आर्थिक मदद का भी जिक्र। राहुल के खिलाफ बयानबाजी पर कांग्रेस हमलावर, कहा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हिंसक बयानों पर पीएम और गृह मंत्री चुप, गिरफ्तारी के बजाय ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे बयान प्रमोशन पाने का पासपोर्ट है।